तो भाई आप भी सब सोच रहे होंगे आपको मैं छोड़ के कहीं जा रहा हूँ, तो भाई ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हम जा रहे हैं रियलमी के लॉन्च ईयर में, जहाँ पर रियलमी अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि रियलमी 5 एंड 5 प्रो है। तो जी भाई हम होटल में पहुंच चुके हैं और 4 बजे का इवेंट, हम आए हैं 4:28 पर, यानी हम थोड़ा सा लेट हैं। और भाई होटल में सारा सन्नाटा छाया हुआ था और मुझे लग रहा था कि इवेंट ख़त्म हो चुका है, तो मैंने डिसाइड किया वापस चलते हैं। और मुझे यकीन था रियलमी वालों पर, रियलमी वाले हमारे बगैर इवेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। इवेंट वाली जगह पर पहुंचे तो वहां पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, जैसे यहां पर फ्री मोबाइल बांटे जा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा इस लाइन में लाके क्यों ना एक फ्री मोबाइल ले ही लिया जाए। इवेंट वाले हॉल में पहुंचे तो पता चला सीन्स कुछ ऐसे हैं। और भाई जब हॉल में पहुंचे तब थोड़ा सा दिल को सुकून मिला कि लॉन्च इवेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और कैसे होता हमारे बगैर। और भाई कुछ देर तो मुझे ऐसा लग रहा था ये लॉन्च इवेंट कल को है, आज को नहीं। काफ़ी देर वेट करने के बाद आखिरकार ये लॉन्च इवेंट स्टार्ट हो ही गया। और आपको ये भी बताता चलो, ये व्लॉग सारा मैंने Realme 5 Pro के साथ ही शूट किया है, आप खुद ही चेक कर लो इसकी क्वालिटी कैसी है। तो भाई इस लॉन्च इवेंट में Realme वालों ने अपने 5 बब्बर शेयर इस पाकिस्तानी मार्केट में उतारे, जिसमें Realme 5 जिसके 3 वेरिएंट है, 3GB 64GB 4GB 64GB 4GB 128GB, Realme 5 Pro जिसके 2 वेरिएंट्स है, 4GB 128GB और 8GB 128GB, पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं। इस लॉन्च इवेंट में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, बस आप लोग चेक करो। इससे ज़्यादा मैं आपको सुना भी नहीं सकता क्योंकि YouTube हमसे नाराज़ है, और इससे पहले हमने जो लाइव कवरेज की थी 5.5 Pro की, उस पर भी हमें कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। और लॉन्च इवेंट के एंड पर बारी आती है खानों की, तो भाई जब खाना लगता है तो लोग ऐसे चम्मच उठा के भागते हैं जैसे कोई कश्मीर को फतह करने चले हो। और भाई ये सीन आपको हर जगह ही देखने को मिलता है, चाहे वो शादी हो चाहे लॉन्च इवेंट।